हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और सरसों। ये रहा, ये मैंने धोके काफी अच्छे से बीन के इसको मैंने वॉश कर लिया है। इसको बहुत टाइम लगता है तो इसको मैंने वॉश करके रख लिया है बहुत ही अच्छे से क्लीन करके। और ये रहा कुकर मेरा, प्रेशर कुकर में मैं अब इसको डाल रही हूँ। इसको हम डाल देंगे, छोटा है मेरा कुकर लेकिन बड़ा कुकर में ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगी। अब मैंने यहाँ पे ये भर दिया है तो ये थोड़ा गल जाएगा तो नीचे चला जाएगा ये। अब मैं इसमें यहाँ पे पानी डालूंगी, एक कप मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन की कली ली है 7 से 8, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे अच्छा खासा, क्योंकि बाद में भी ये यूज होना है तो और मुझे चाहिए होगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक, ये नमक मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, बस इतना ही डालेंगे, अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। तो इसको मैं एक बार ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लेती हूँ ताकि ढक्कन करते समय ये चिपके ना, कुछ इस तरीके से मैं कर देती हूँ। अगर आपका कुकर बड़ा है तो अच्छी बात है, मैं बड़े कुकर में नहीं डाल रही हूँ ये, क्योंकि ये गल के बहुत कम हो जाएगा इसीलिए। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको गैस पे बिठाने जा रही हूँ। तो सॉरी, तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है और मैं इसको अभी मैं इसको बड़े आंच में ही रखूंगी। जब इसमें थोड़ा सा प्रेशर बनने लगेगा फिर मैं गैस को मीडियम पे रखूंगी और कम से कम जी 6 से 7 सीटी हम इस पे लगाएंगे, या फिर तब तक सीटी लगाएंगे या फिर तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये पूरी तरीके से गल ना जाए। फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी क्या करना है। तो गाइस, पालक और जो ये सरसों का साग है, देखिए मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अब मैं इसको डालूंगी मिक्सी पे, तो मैंने यहाँ पे जार ले लिया है। अब मैं इसको इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ। पानी थोड़ा सा हम छान लेंगे, पूरा पानी नहीं डालेंगे, ये पानी हम बाद में यूज करेंगे। तो इसको अब मैं पीस लूंगी बारीक से। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट बनके रेडी हो गया है। देखिए, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये मैंने, अब मैं बताऊंगी आगे का प्रोसेस कि हम इसमें क्या डालने वाले हैं। तो मैं इसमें डालने जा रही हूँ बेसन। बेसन मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऐड करूंगी। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बेसन को ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 kg पालक और सरसों का साग मिक्स करके लिया हुआ है, 250 ग्राम करके ऐसे करके मैंने दोनों को 1/2 करके लिया हुआ है, तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा। अब मैं इसको पीस लूंगी। तो ये देखिए काफी अच्छे से, अगर हम इसको हाथ से करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है और इसमें थोड़ा बहुत लम्स भी आ जाते हैं। अगर हम मिक्सी जार में इसको ग्राइंड करते हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और इसमें कोई लम्स वगैरह भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ही देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट बन के ये रेडी हो गया है। तो अब जो मेरे पास कुकर में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है इसका, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत पत्तियां रह गई है, तो मैं ये सारा इसमें डाल दूंगी ऐसे करके, ताकि ये तो जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, ये भी अच्छे से एक फाइन पेस्ट होके तैयार हो जाए। इसको हम बहुत ज्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये पूरा बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा, तो वो काम नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हैं जो बचा कुचा था वो भी हमने सारा ही पीस दिया, ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसको हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगा के फिर हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे, क्योंकि जो बेसन डाला हुआ है वो कच्चा है और हमें बेसन पकाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा घोल बन के ये रेडी हो गया है। देखिए इसकी थिकनेस इतनी है, तो ये हम पकाएंगे तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा अभी। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं डालूंगी इसमें हींग और साथ ही साथ मैं डालूंगी इसमें मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद मैंने यहाँ पे बारीक से प्याज काटा हुआ है, बहुत बारीक बारीक काटेंगे हम प्याज को। ये रहा, मैंने प्याज भी डाल दिया है।
अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से और इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको हम ऐसे ही भून लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है ये। तो मैं अब इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का, मैंने कूट के रखा हुआ है, तो ये साथ साथ ही ब्राउन हो जाएगा अच्छे से। तो इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ, तो अब इसको भी ऐसे चला देंगे हम। अब ये दोनों ही लाइट ब्राउन होने तक का हम इसका वेट करेंगे। तो ये काफी अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है, इससे ज्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि हमने बहुत ही ये बारीक करना था, तो इसलिए मैंने कद्दूकस करना सही समझा। हम गैस को कर देंगे बहुत ही लो फ्लेम पर, इसको अच्छे से हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि जो इसका कलर है बाहर निकल के आ जाए और साथ ही साथ जो इसका तेल है वो अलग हो जाए। फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो टमाटर भी रेडी हो गया है, काफी अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैं प्यूरे डालूंगी, पानी अभी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद ऐड करते हैं पानी। इसको थोड़ी देर उबाल आने तक हम छोड़ देंगे। इसमें हल्का सा बबल्स आना स्टार्ट हो गया है, ये मिक्सी में मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसी का पानी मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ। पानी थोड़ा सा हम ज्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें बेसन डाला हुआ है, तो ये थोड़ी देर के बाद गाढ़ा हो जाएगा, तो बेसन को पकना भी बहुत जरूरी है। तो हमें 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही हम इसको बीच बीच में चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। फिर मैं चेक करूंगी इसमें नमक की जरूरत होगी तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि बॉईल करते समय मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया था इसमें, बट फिर भी हम बाद में लास्ट में एक बार हम चेक करेंगे। तो यहाँ पानी भी ऐड हो चुका है, यहाँ मैं अब डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे सिर्फ फ्लेवर के लिए। तो मैंने यहाँ पे होममेड गरम मसाला लिया हुआ है, मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, आप मार्केट में जो मिलता है वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जो घर पे है गरम मसाला आप वो ऐड कर सकते हैं। आप अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं डालना तो आप ना डालें। तो ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है इसपे, इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे एक बार, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लेवर के लिए मसाला डालना जरूरी रहता है। तो ये देखिए, अब इसको हम धीमी आंच पे अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। तो गाइज ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है ये, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बीच बीच में हम इसको चलाते हुए अच्छे से कुक करेंगे, तो ये बिल्कुल कुक हो चुका है और देखिए ये इतना थिक हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे से कुक भी हो गया है। नाउ इट्स रेडी। तो मैंने नमक चख लिया था तो नमक मैंने इसमें डाल दिया है, और मैंने ज़्यादा लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरा बेटा खाता नहीं। आप अपने स्पाइसी रखिएगा जो आपको अच्छा लगे, और मैं यहाँ पर एक नींबू डाल रही हूँ, एक नींबू का रस डाल रही हूँ मैं। ओह, ये नींबू में रस ही नहीं है तो एक नींबू का रस हम इसमें डालेंगे पूरा। तो गाइस सरसों का साग बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसको करेंगे सर्व। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेट मिलता है, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।